साथियों, खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार का फोकस खेत से लेकर फूड प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक एक आधुनिक और व्यापक नेटवर्क खड़ा करने का है। आने वाले 5 वर्षों में सिर्फ सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इतना ही नहीं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने भी अनेक कदम उठाए हैं। चाहे इस सेक्टर को 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए 100% एफडीआई के लिए खोलने का फैसला हो, या फिर पीएम किसान संपदा योजना के माध्यम से वैल्यू एडिशन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट में मदद, हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। इसी योजना के तहत बहुत ही कम समय में सैकड़ों करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट्स देश में पूरे हो चुके हैं। साथियों, सरकार का प्रयास है कि खेती की लागत कम हो, किसान का खर्चा कम हो। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों के अनेक छोटे खर्चों को पूरा करने में मदद मिली है। अब तक 8 करोड़ किसानों को इसका लाभ सीधा सीधा उनके बैंक खाते में पहुंच चुका है, दिया जा चुका है। इसी महीने के शुरुआत में एक साथ 6 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करके एक नया रिकॉर्ड भी बनाया गया है। साथियों, किसान और उपभोक्ता के बीच के लेयर्स और उपज की बर्बादी को कम करना, ये भी हमारे लिए प्राथमिकता है और ये प्राथमिकता हम सबकी होनी चाहिए। सभी राज्य सरकारों ने भी इस पर बल देना होगा और इसके लिए परंपरागत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को ऋण की, टेक्नोलॉजी की और मार्केट तक एक्सेस आसान हो, इसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस उसको प्रमोट किया जा रहा है। और जिन जिन किसानों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, वे बहुत सफल भी हुए हैं। अब इसका जाल पूरे देश के हर कोने में फैला रहा है। सरकार का प्रयास है कि आने वाले 5 वर्षों में 10,000 नए एफपीओस तैयार किए जाएं। यही नहीं, इनाम के रूप में एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किसानों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है।